हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई हैव सेंड यू अ वीडियो ऑन आर्टिकल्स. नाउ टुडे वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल्स. ओपन पेज नंबर 40. आई हैव ओपन पेज नंबर 40, एक्सरसाइज ए. ए और एन, इन दोनों में से आपको फिल करना है. ए और एन मैंने आपको बताए थे, जहां पर भी सिंगल चीज हो, सिंगल नाउन हो, उसके साथ यूज होता है, और काउंटेबल चीजों के साथ जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. एक ही चीज है ना. आई हैव अंकल. अंकल यू है तो इट्स अ वॉवल. अ की आवाज दे रहा है तो एन. हु इज डैश आर्टिस्ट, इसमें भी अ की आवाज आ रही है तो एन. डैश लायन, अ लायन. एंड अ माउस. द बी इज अ हार्ड वर्किंग. जी आर लेफ्ट हर हाउस एन आर एगो. इसमें एच साइलेंट है और सेकेंड जो अक्षर यूज हुआ है, वर्ड यूज हुआ है, वो क्या है? ओ. लेटर ओ जो है वो क्या है? हमारा वॉवल साउंड है. तो वॉवल साउंड की आवाज आने के कारण हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं? एन. अ वन आइड पर्सन. अब देखिए, ओ वॉवल है लेकिन इसका साउंड व का है, इसलिए अ वन आइड पर्सन, बेगर. नेक्स्ट, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस प्लेस फॉर डैश ईयर, फॉर अ ईयर. एंड एन हाफ, सॉरी अ हाफ, अ हाफ. ह की आवाज आ रही है इसमें. देखिए, जब एच साइलेंट होगा तो नेक्स्ट वर्ड यानी कि जो वॉवल है उसकी साउंड आएगी, लेकिन यहाँ पर एच की आवाज ह में यूज हो रही है, तो इसलिए अ हाफ अ ईयर. अब देखिए, ईयर है ना. नेक्स्ट, द किंग हैड डैश आर्मी ऑफ 5,000. आर्मी, एन आर्मी. द कंप्यूटर इज अ यूजफुल. अब यू देखिए यहाँ पे य के रूप में यूज हो रहा है. ऊपर जो हमारा अंकल था उसमें अ यूज हो रहा था. अंकल, अ की आवाज आ रही है. आर्टिस्ट, अ की आवाज आ रही है, इसलिए यहाँ पर दोनों जगह एन यूज हुआ है. नीचे देखिए, यूजफुल है तो यू वॉवल, लेकिन यहाँ पे हम इसकी साउंड जो है वो य यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें अ लगा रहे हैं. ओके, नाउ एक्सरसाइज बी. पुट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स. एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. नेक्स्ट इज पेयर ऑफ शूज. अ पेयर ऑफ शूज. नेक्स्ट, थर्ड वन इज डैश इजी क्वेश्चन. एन इजी क्वेश्चन. क्लॉक, अ क्लॉक. अ बॉक्स, अ बुक. एन इंटरेस्ट इंडियन ड्रेस. अ पर्स, एन आंट. अ बोरिंग स्टोरी. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ए एंड एन. नाउ वी विल यूज ए एन एंड द. तीनों चीजें यूज करते हैं. द जो है पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए यूज होता है. ए और एन पर्सन और थिंग के लिए, लेकिन एनी किसी भी चीज के लिए, किसी भी टाइप के पर्सन और थिंग के लिए यूज होता है, लेकिन द जो है वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज होता है. डैश स्टोरीज रिटन बाय टैगोर. अब देखिए, टैगोर द्वारा लिखी गई स्टोरीज हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो गई, स्पेसिफिक हो गई, तो द शॉर्ट स्टोरीज. आई रोट अ स्टोरी है ना. एन ऑस्ट्रिच, ओ जो है ये वॉवल है इसलिए एन ऑस्ट्रिच. अ बस पार्क आउटसाइड अवर स्कूल हैज पंक्चर टायर. ही फाउंड अ 1 रुपी कॉइन इन द पार्क. Now you have to do exercise D yourself. Thank you, students. Bye.